सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। नगर पंचायत गनोर के 17 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए राजपुरा के एसडीएम दफ्तर में नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवार पहुंचे, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा में राजपुरा के एसडीएम कम चुनाव अधिकारी के पास अपने नामांकन पत्रों को दाखिल किया। इस मौके पर जहां कुछ माहौल गर्म दिखा, वहीं पुलिस भी काफी सतर्क दिखी। जहां कुछ अकाली नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं पर धक्का करने के आरोप लगाए, वहीं दूसरी ओर नामांकन भरने आए कांग्रेसी नेताओं व डीएसपी गनौर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारा। इस मौके पर नामांकन पत्र दाखिल करने आए अकाली नेता कुलदीप सिंह ने कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने आज हमें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी धक्काशाही करने के आरोप लगाते हुए कहा कि अकाली दल तो साढ़े 137 नंबर कमरे जाके गल पे 25 बंदे भरा चाचे ताया पिंडा बंद कांग्रेसी सरकार जाके साथ सीधे गल जे इन्होंने 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 इन्ना डर हो गया साडा ये चोन असी सानू अंज कहते कागजी ना भरते साढ़े तो अज भी लिखा लें जे इन्नी डर गई है कांग्रेस सरकार असी हुण भी लिख के देने तैयार हाँ भी अपना तुम अपने भर लो अपना नोमीनेट कर लो कल मुकदी है इन्होंने जान बुझ के लड़ाई झगड़ा करते हारते ने। इस मौके पर कांग्रेसी नेता नरपिंदर सिंह पिंदा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गनौर में चुनाव शांति पूर्वक करवाए जाएंगे और हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अकाली भाजपा सरकार पर गनौर के विकास में पैसा खुर्द बुर्द करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने अकाली नेताओं द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर धक्केशाही करने के लगाए आरोपों को सिरे से नकार दिया। नगर पंचायत इलैक्शन घनौर की उत्थे घनौर के साढ़े वार्ड 11 वार्ड ने 11 वार्ड के साथ कांग्रेस पार्टी के 11 केंद्रीय अकाली भर चुके हैं। ठीक है। तो किसी का भी कोई कागज किसी नाल कि सरकार वालों पूरी हदायत कोई किसी का कागज कोई धक्का मुक्की कोई किसी का नहीं है। बड़ी अमन शांति कागज भरे गए हैं सारे के। ठीक है जी। जी इलैक्शन है साढ़े घनौर की बड़ी अमन शांति होगी जो पिछले इतिहास ने असं उन्हें दिलाना चाहेंगे। ठीक। किस मुद्दे नूं लैके तुसीं इलैक्शन लड़ रहे हो? असीं जिहड़े साडे घनौर दे मुद्दे ने जी पहला भी साडी सरकार सी कांग्रेस पार्टी दी मैं जिला प्रधान रहा जी कांग्रेस दा साडी घनौर मंडी दे विच साडा जिहड़ा इलाका है बहुत पिछड़िया होया पिछड़े होण दे करके उत्थे असीं सब तो पहला ही शैड बनवाया सी घनौर अनाज मंडी दे विच जिहदे साडी सरकार ने साडे महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साडी माता महारानी प्रदीप कौर जी ने साडा भरा मदन लाल जलालपुर जी एम एल ए साहब ने बड़ी मेहनत करके साढ़े घनौर मंडी के शैड बनाया जी जिसे 3 करोड़ रुपया लगा है। तो अज साडे इलाके दे विच कोई दुख सुख कोई खुशी का प्रोग्राम होए किसी पैलेस च किसी कि नहीं जाना पैंदा कि अपना मंडी जदों मर्जी जाके अपना प्रोग्राम कर सकते हैं। घनौर की रही गल घनौर दे विच जिहड़ा साडा पिछले समय च नाश होया है सीवरेज का काम होया है तुसीं चैक कर सकते हो भी उह किवें होया है किवें पैसा उत्थे खुर्द बुर्द किया गया है। अकाली आरोप ला रहे हैं भी इन्होंने जबरदस्ती जिहड़े साडे कुछ आदमियों के कागज वापस कराए हैं इहदे बारे की कहना चाहोगे? दसो जी कोई किसी जबरदस्ती कागज वापस करा सकता है? घनौर दे विच पिछले समयां च अकाली दल दे 4 प्रधान रह चुके ने। मैं अकाली दल नूं पुछना चाहना भी अज क्यों नहीं इलैक्शन लड़ रहे? अजय कुमार सिंगला जी ने सुरिंदर कुमार पुरी जी ने मैडम बेगम अख्तरी जी ने शेर सिंह जी ने अज क्यों नहीं अकाली दल नूं इलैक्शन लड़ा रहा? दूजे के दूषण लाने तो पहला अपनी पीढ़ी थोड़ा सोटा फेरना भी साढ़े 4 प्रधान हूँ म्यूनसिपल कमेटी के अच्छ मैदान से कोई भी नहीं है। नहीं आरोप ला रहे ना नहीं रोप मैं रोप रोप कोई लाई है किसी से मैं तो कहता जी मैं वह कहता जी किसी ने मैं मेरा सवाल उठा दे 4 प्रधान ने क्यों नहीं साढ़े 2 कैंडिडेट फर भर गए दो साड़िया जिहड़ियां सीटां हैगियां अकाली दल नाल अलाइंस च हैगियां ने पहला भी असीं घनौर तो 2 सीटां लड़े थे और हुण भी असीं 2 सीटां लड़ रहे हैं पहला भी असी 2 सीटा जीते थे और हूँ भी असं जी 2 सीटा जीता सरकार। तो एक दसो जी फार्म भरन च कोई कोई समस्या का प्रॉब्लम कोई समस्या की प्रॉब्लम नहीं आई फार्म साढ़े कैंडिडेट आए ने अंदर जाके भरते हैं सू कोई दिक्कत पंचायत दिन इलैक्शन लिए 5 वार्डों तो अच्छ दाखिल किए हैं
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2, 3, 5, 10 ਤੇ 11 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗਨੌਰ ਕੇ DSP ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭੀ ਆਰੋਪੋ ਕੋ ਸਿਰੇ ਸੇ ਨਕਾਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਸ ਮੇ ਭੀੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਚ ਬਚਾਵ ਕਰ ਉਨ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਸੇ ਹਟਾਇਆ ਔਰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਦਾਖਿਲ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਓਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਊਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MLR ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਮਾਈ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਐਕਟ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋ ਨੋ ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਤਿੰਨ 5 3 5 3 6 7 8 2 9 3 10 2 11 3 25। अब देखना यह होगा कि 17 दिसंबर को होने वाले नगर पंचायत के चुनावों में कौन सी पार्टी लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होती है। राजपुरा गनौर से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, News 89। सब्सक्राइब करें News 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।